हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और आज से मैं अपना टाइम टेबल एकदम चेंज कर दिया है। तो आज से मैं डेली 6 बजे उठ के अपना टाइम टेबल चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह 6 बजे उठने से माइंड फ्रेश हो जाता है। ओए उठ, उठी बढ़िया है, मेरे से पहले इसी ने मेरे को उठाया। अलार्म बज रहा था, ये कान पे बजा दिया इसने। 5:45 से लगातार अलार्म बज रहा है। 5:45 का अलार्म लगाया था मैंने, कहा मुझे पता 15 मिनट तो मेरे को उठने में लगेंगे, और फाइनली उठ चुका हूँ मैं। अब सबको उठाता हूँ और फिर चलते हैं जिम। गुड मॉर्निंग नोएडा। तो सुबह सुबह 6 बजे का दृश्य देख लीजिए आप, क्या बात है। अभी जब ऐसा है फॉग जैसा, सर्दियों में लग रहा है। अभी ऐसा लग रहा है, कितना धुआं देखो। मतलब मुझे ये नीली शर्ट नहीं दिख रही, इतना धुआं आ रहा है। चलो चलो सबको जगाते हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग सर, सर सर तेरी तो बेइज्जती कर रहा भाई। सर 6 बज गए सुबह के, जिम चलना है। हेलो, उठ गया ना, अंगूठा दिखा। ये उठ गया, ये वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, आ जाओ जिम, चलो जिम, आओ आओ आओ, सही में बैठा, सही में आ जाओ। तो जिम जाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो मैं यार अलार्म फिर से बज जाओ। अरे उठ गया भाई मैं। छः 5 ऑफ, 5 मिनट और सो जाता हूँ। नहीं नहीं, अब मैं डेली सुबह 6 बजे उठा करूंगा। स्वाति, गर्म पानी, जज्बा। तो सुबह सुबह गर्म पानी पीऊंगा। सुबह सुबह गर्म पानी पीने से अच्छा लगता है, पता नहीं क्या होता है लेकिन अच्छा लगता है। नहीं उठो, उठो नहीं, पानी डाल दूंगी मैं पानी डाल दूंगी। देखो सबकी नींद खराब करके खुश हो गए हो हैं, मैं सोने नहीं दूंगी आपको। उठो, मैं पानी डाल दूंगी, उठो। ऐसे उठोगे? करने जा रहा हूँ ना, सो जाओगे। सोना मत, मुझे पता था आप यहाँ सोओगे। तो अब जा रहे हैं, सुबह के 6:30 बजने वाले हैं, हम जिम जाने वाले हैं। कैसा लग रहा है स्वाति? चलें वापिस सोने। नहीं अभी, हाँ ऐसे करके नहीं, कौन बोलता। तो चल रहे हैं जिम। ये देखिए स्वाति ने 2.5 किलो 50-50 ग्राम के डंबल उठा रखे हैं। पचास ग्राम भी भारी लग रहा है इसको, ये देखिए। ओ माय गॉड, पसीने दिख रहे हैं, पसीने, हालत हो गई खराब। 7:30 हो गए, ये तो अपना साइकिल चला के आ गई बस। अगर साइकिल चलाने की 2000 रुपये दे रही है तो फालतू के दे रही है। मैंने कहा तुम मेरे को बताओ, मैं तुम्हारे लिए 2000 की साइकिल ला दूंगा, तुम साइकिल लेके भाग जाओ इटावा तक। साइकिल चलाने के 2000 रुपये दे रही है। हाँ दिख गई बॉडी। स्वाति कॉलेज चली गई, तो आज हम थोड़ा तीनों भाई घूमने जा रहे हैं।
और वहीं से स्वाति को कॉलेज से लेके आएंगे। चले चलते। तो कैसा लग रहा है मेरा आज फॉर्मल लुक? वैसे मैं फॉर्मल में हमेशा अच्छा लगता हूँ, मस्त लग रहा हूँ ना। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि मैं फॉर्मल में ज़्यादा अच्छा लगता हूँ या कैजुअल में। वैसे तो मैं अंडरवेयर बनियान भी पहन लूँगा तो भी बढ़िया लगूँगा, फिर भी आप कमेंट करके बताओ। फॉर्मल लुक है भैया, ऐसी थोड़ी है। 14 साल का एक्सपीरियंस, 13 साल का एक्सपीरियंस है। 2008 से मैं फॉर्मल ड्रेस पहन के रह रहा हूँ, इसलिए स्मार्ट लगता हूँ। तो ये है सेक्टर 76 मेट्रो स्टेशन। तो टिकट ले लिए हैं, अब चलते हैं मेट्रो के अंदर। आ जाओ। तो गाइज हमें उस साइड जाना था, गलती से हम इस साइड आ गए। हमें परी चौक जाना है, हम 51 सेक्टर की तरफ चढ़ गए, तो वापिस जा रहे हैं। तो वापिस चढ़ गए हम, 2 मिनट मारे डिपोर्ट स्टेशन की, परी चौक जाएगी। तो हमारी मेट्रो आ चुकी है। तो उधर स्वाति के कॉलेज है और हमारे परी चौक। पहले पता कहाँ रहते थे? पहले वाला कर दिखाऊं, पहले वाला घर बोरा ये रहा ये। तो बहुत दिनों बाद हम परी चौक आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये रहा हमारा अंचल प्लाजा, यहाँ पहले हम घुसे रहा करते थे, डेली आते थे पहले अंचल प्लाजा में। बहुत दिनों बाद आए हैं, चलते हैं अंदर। लिफ्ट बुलाई जाए, लिफ्ट। आ चुके हैं हम अंचल प्लाजा में और यहाँ पे देखूंगा अगर एक्सचेंज हो जाता मेरा आईफोन 12 प्रो मैक्स आईफोन 13 में तो कर दूंगा मैं, देखते कितने फालतू पैसे लगते हैं। और ये देखिए स्वाति आ गई है कॉलेज से, नहीं तो भी मैं इसे रंगे हाथों पकड़ने वाला था। पिज्जा खाने जा रही है अपने दोस्तों के साथ, हम यहाँ सुबह से भूखे बैठे हैं। क्या तो आ चुके हैं हम अंचल प्लाजा में, बहुत बढ़िया मॉल लगता है ये, 2 मिनट में मज़ा आ जाता है घूमने में। बर्गर फ्रेंच फ्राइज विद स्प्राइट, स्प्राइट तो बच्चे पीते हैं, लीजेंड लोग लेमन आइस टी पीते हैं। लीजेंड मैं हूँ मैं। स्वाति के साथ मैकडी मैंने का ये फायदा होता है कि उसका आधा बर्गर मेरे को मिल जाता है खाने के लिए। राइड भी मिलेगी अभी। ये देखो मैकडी का बर्गर खा के आई है और अभी भी पानी पूरी बटकी हुई है, बर्गर ही नहीं खाती। फिर क्या होगा ऐसी लड़कियों का, मैकडी का बर्गर खाने के बाद भी गोलगप्पे खा रही है यार, पानी पूरी बटकी हुई है। अगली बार से मैकडी नहीं जाएंगे हम। ये देखो गोलगप्पे पैक करा रही है जिसने, मेट्रो के अंदर गोलगप्पे खा रही है। क्या करियो, खा अंदर जाने नहीं देंगे, गोलगप्पे लेकर अंदर जाने नहीं देंगे, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया है। पहले गोलगप्पे खा के आओ तभी एंट्री मिलेगी। अभी हमारे साथ बहुत बढ़िया ब्लोपर हो गया है, हम मेट्रो में बैठे थे, मार दो हॉर्न, तो हम मेट्रो से आए, हम लिफ्ट से ऊपर से नीचे आ रहे थे तो लिफ्ट में चढ़ गए और हमने बटन नहीं दबाया, 15 मिनट हम लिफ्ट के अंदर ही खड़े रहे। हम बात करने में इतने बिजी थे कि पता ही नहीं चला 15 मिनट कब कट गए। उसके बाद एकदम से कोई बाहर से आया, उन्होंने बटन दबाया तब खुला, हम निकल गए। हमने कहा यार अभी तक हम यहीं हैं, टाइम देखो 15 मिनट, मतलब हम लिफ्ट में खड़े रहे, बात करने में इतने मशहूर थे हम, पता ही नहीं चला। तगड़ा वाला ब्लॉपर। किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि जो लिफ्ट में खड़ा और बटन नहीं दबाया वापस वहीं खुल गया? कमेंट करके बताओ। डिनर टाइम, तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 8 और अब वीडियो एडिट कर रहा हूं मैं। तो हमारा अब टाइम टेबल डेली ऐसे ही चलता है, कल का भी यही था और आज का भी यही है। जिम से आया हूं मैं अभी और अब एडिट कर रहा हूं वीडियो, और टाइम से मिलेगी अब आपको वीडियो, क्योंकि जिस दिन अब मेरा टाइम टेबल सही होगा तो वीडियो भी आपको टाइम पे मिलेगी। लेट हो जाती है उसके लिए सॉरी, मैं क्या करूँ, मैं पागल हूँ, सही बात भी हूँ पागल हूँ, तो क्या करूँ यार मैं ऐसे ही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लव यू ऑल।